One, I will just share a recent story. I got a conciliation session with one of my student, okay? स्टूडेंट कैसे बना ही टुक दी एडमिशन फॉर होम ट्यूटर ओके तो मेरे टीचर जो मेरे साथ काम करते वो जाते थे उनके होम ट्यूटर लेने एडमिशन इन आर्ट्स ठीक है आईबी बोर्ड स्टूडेंट गॉट अराउंड 90-92% इन आईबी बोर्ड ही वांटेड टू डू आर्ट्स मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ इससे आपको समझेगा कि आपकी गोल सेटिंग में गोल्स जो सेट सोचा है आपने वो कैसे चेंज हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर सराउंडिंग ठीक है लिसन केयरफुली तो वो आईबी बोर्ड का स्टूडेंट स्कोर अराउंड 90-92% आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली ओके उसको आर्ट्स करना था एंड उसके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं बोला कि बेटा तू इतना अच्छा परसेंट आया साइंस ले या कॉमर्स ले ऐसा कुछ नहीं तुमको आर्ट्स करना तो आर्ट्स करो दे वर वेरी सपोर्टिव गॉट इन टू एस एम शेट्टी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओके आई डोंट रिमेम्बर द नेम ओके कॉलेज में एडमिशन लिया उसने आर्ट्स के लिए जब वो 11th आर्ट्स में मतलब एंटर हुआ पहले दिन कॉलेज जाने के बाद दूसरे दिन वापस गया है तीसरे दिन मम्मा बोलता हूँ मैं कॉलेज नहीं जाना तो पेरेंट्स बोलते क्यों नहीं जाना बेटा तो उसने कुछ बताया नहीं बोला बस मेरे को दूर पड़ता है मुझे नहीं जाना इस चीज इन थाने ओके तो उसने सब बोला मुझे दूर पड़ता है नहीं जाना है तो उसके बाद जब छोड़ दिया बेटा ठीक है मत जा तो कम्फर्टेबल नहीं है तो वेरी पैम्पर्ड साइड ना ओनली पैम्पर्ड साइड ओके तो उसने बोला कि नहीं कम्फर्टेबल है नो प्रॉब्लम हम एग्जाम देने जाएंगे जब वो पहला पेपर सिर्फ एग्जाम देने गया तो एग्जाम देते टाइम वापस एक एग्जाम देने आने के बाद ही टोल्ड कि मुझे एग्जाम भी नहीं देना ऐसा क्या इशू हो रहा है तू मुझे आर्ट्स करना था यू वांटेड टू अडॉप्ट दिस हमने देखो फोर्स नहीं किया हमने तुझे चेंज नहीं किया तुझे कॉलेज नहीं जाना था वी अलाउड यू दैट ऑल्सो कि ठीक है बेटा घर पर बैठ के पढ़ा एग्जाम देने जाना एंड एवरीथिंग वाज मैनेज नाउ वी डोंट नो टू गिव एग्जाम ओके तो दे केम टू माई ऑफिस फॉर काउंसिलिंग कि ऐसा ऐसा इशू है करके व्हेन आई स्पोक टू दैट चाइल्ड मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आना है मॉडलिंग करना है तो मैं एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करूंगा मुझे सब पढ़ाई नहीं करना आप तीनों चीज में कुछ रिलेशन है Arts, IB board student getting 90-92% gets free to ask. Very rare combination. Agree? Arts करता है, दो-तीन दिन college जाता है, पता नहीं क्या होता है, उसको college नहीं जाना होता है, ठीक है? Arts करने के बाद, जिमिन, क्योंकि just because घर पे रहता है, तो he start working out. Maybe कुछ compliments की वजह से उसको वो जिमिन field में interest आता है, okay? उसके बाद वापस थोड़े बाद, he wants to join acting school. जब मेरा बच्चे से बात हुआ उसको बात करते थे वो बातें उसको चीप लगती थी मैंने उसको पूछा क्या बातें करते थे तो उसने बोला मेरे आजू बाजू में लड़के बैठे थे जब भी कोई लड़की क्लासरूम में अंदर एंटर करेगी तो देख आइटम आइए ये आइए वो आइए ठीक है मतलब मैं आपको एक बात बता दूँ ये बातें उसको चीप लगती थी दिस वॉज द रीजन ही स्टॉप गोइंग कॉलेज मुझे नहीं जाना और ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही उसको इरिटेट हो गया वो बात से सेकंड डे जब वो कॉलेज गया था ना सेकंड या थर्ड डे तो उसने अपने मैम से कॉलेज के मैम से रिक्वेस्ट किया मुझे डिवीजन चेंज करना है क्यों उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे डिवीजन ठीक है सेम कॉलेज ओनली डिफरेंट डिवीजन सेम स्टैंडर्ड नो ऑफिस तो उसने एग्जाम दे दिया एग्जाम देने जब गया ना पहला दिन तो जब उसके जो दोस्त थे ना तो उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया कि तू तो बड़े बाप का बेटा है तू कॉलेज आएगा नहीं आएगा तेरे को अटेंडेंस का कोई लेना देना नहीं है पर तू एग्जाम देने आ रहा है हम लोग को तो जब मार के रोज कॉलेज आना पड़ा उसको सुन के अच्छा लगा बोला मैं नहीं देगा जब मैं दूसरे बच्चे की तरह कॉलेज में नहीं बैठा है जब दूसरे बच्चों को वो रूल्स रेगुलेशन अप्लाइड है तो मुझे नहीं देना
क्योंकि अभी फिर कुछ था नहीं करने तो उसने जिम ज्वाइन किया था। जिम ज्वाइन किया तो स्टार्टेड जिमिंग एंड वो जिम में जल्दी बॉडी बनाने के लिए क्या लेता है तो ही वाज अपफिट आल्सो अ लिटिल बिट बट ही डिडंट गो फॉर इट। ही वेटेड क्योंकि उसके घर वालों को समझ में आया ही इज अप टू दैट तो वो नहीं हुआ। जिमिंग के बाद एक्टिंग क्लासेस के टाइम मतलब ही वाज जैन में शुरू होता है उनका कुछ कोर्स तो ही नवंबर दिसंबर की बात बताऊंगा आपको ये तो उससे मैं से कंसल्ट किया कि सर तो मैंने उसको बोला देख मैं पे घर पे बात करेगा कि तुझे एक्टिंग क्लासेस करना है लेट हिम ट्राई एंड दैट्स अ गुड फीस तो बट प्रॉमिस मी कि यू विल गो फॉर इट मतलब उसके बाद तू बैकआउट नहीं होगा बिकॉज ऐसे लोग ऐसे सराउंडिंग में तो हर फील्ड में मिलेंगे। ठीक है ऐसे लोग ऐसे सराउंडिंग में हर फील्ड में मिलेंगे बट यू कांट चेंज योर डिसीजन बिकॉज ऑफ दैट। ओके तो उसने मेरे को बोला हाँ सर मैं जब भी काउंसलिंग करता हूँ ना तो आई रिकॉर्ड मेरा हैबिट इसके पीछे कोई रीजन क्या है बिकॉज आई वॉन्ट टू यू नो कि प्रोस्पेक्टिव क्या है सामने वाले आई हियर दैट अगेन एंड अगेन जस्ट टू नो कि क्या क्वेश्चन पे क्या आंसर दे रहे हो। दे आर ऑलवेज सेंड टू द पेरेंट्स ऑल्सो कि देखो ये मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ ऐसे ऐसे तो ये चीज हुई। उसके बाद वापस एक महीने बाद उसके पेरेंट्स का कॉल सर उसको एक्टिंग क्लासेस भी ज्वाइन नहीं करनी अच्छा ठीक है तो he didn't meet me ओके he didn't meet me after that एंड बिकॉज़ शायद उसको वो शेम लगा रहेगा क्योंकि उसका नेचर वैसा था राइट वो कॉलेज में जिधर उसको गिल्ट फील होता था वो जाता नहीं था उसका वो नेचर तो वो मुझे नहीं मिला बिकॉज क्योंकि उसने मेरे से कुछ कमिटमेंट किया था एंड ही वाज नॉट अप टू दैट। ओके हां पॉइंट क्या है यहां पे पॉइंट क्या है पॉइंट ये कि बच्चा काफी फोकस था आप समझ रहे हो अगर एक बच्चा 90-92% लाता है ही इज वेरी फोकस्ड व्हाट ही वांट्स टू डू राइट एक सराउंडिंग से उसका आज उसको नहीं पता कि उसको क्या करना है ओनली वन पर्सन उसी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है उसी गर्लफ्रेंड अभी 11th का एग्जाम दिए 12th में जाने वाली है उसकी लाइफ बदली एक जन की लाइफ बदली पेरेंट्स वर्ल्ड है आपे दो चीज आप सीखते हो तीन चीज इनफैक्ट एक आपने जो गोल सोचा था लाइफ में बी गुड लेट इट बी एनीथिंग यू शुड नॉट चेंज वन सेकंड नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट यू ये बात समझो महाभारत पता सबको वो 11 पांडवास If I'm not wrong, I'm not wrong. तो बोलता है मेरे को यहाँ पे जार दिख रहा है आजू बाजू पंछी दिख रहे अच्छा मौसम है बोलता है ठीक है बेटा बैठ जा। फिर गुरुदेव बुलाता है बीज को वो बोलता है आपको क्या दिख रहा है बोलता है मेरे को आम दिख रहे बोलता है नो प्रॉब्लम आप बाद में तोड़ के खा लेना। तो अर्जुन को बुलाता है वो बोलता है आपको क्या दिख रहा है वो बोलता है चिड़िया की बोलता है आपको और कुछ दिख रहा है बोलता है नहीं बोलता है मैं तुम्हारा गुरुदेव तुम्हारे सामने खड़ा हूँ क्या मैं आपको दिख रहा हूँ बोलता है नहीं बोलते चलो ये बहुत छोटा बात है ये आपने बहुत बार सुनी रहेगी बट जो जिसने उसको वो चीज सिखाई कि किस तरह से आपको अपने लाइफ में कुछ करना चाहिए जब उसको बोल दिया तब उसको वो भी इंसान नहीं दिखा समझ रहे हो आप मेरी बात। इफ यू नो व्हाट यू वांट टू डू then it's no way backing out ठीक है and तीसरा है सबसे important चीज दुनिया में हर चीज का इलाज है और technology has really gone great मलेरिया हो कुछ भी हो but अगर एक बार आपको कान में कुछ बोल देता है ना और वो अगर आपके कान से दिमाग में चले गया ना वो चीज का इलाज नहीं है you can never ever change that thought वो दिमाग में किधर ना हमारे background में चलते रहता है। तो इसलिए आपके सराउंडिंग आपको क्या बोलते हैं ना आपको ये बात समझना है हमेशा अपने लाइफ में कि किसकी बात आपको फ्यूचर में आगे लेकर जाएगी और किसकी बात आपको जस्ट सुन के इग्नोर करनी है।
दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, बिकॉज अगर एक अननोन पर्सन जो आपके लाइफ में हार्डली कुछ मैटर करता है होगा अच्छा दोस्त आपका, होगा इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में, बट स्टिल ही और शी कैनॉट डिसाइड योर फ्यूचर, राइट? सो यू हैव टू मेक श्योर दैट ही इज नॉट द वन. ठीक है, क्लियर है? तो ये बेसिक चीजें हमने तीन चार बातें की यहाँ पे, सब चीजों को थोड़ा ट्रैक करते करते हम आगे स्लाइड में जाएंगे तो आपको बेटर पिक्चर समझेगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. नाउ इज गोल सेटिंग इम्पोर्टेंट? मैं आपको ये बात बोला राइट कि सबको यहाँ पे पता होगा कि आपको क्या चीज करनी है लाइफ में, बट कैसे करनी है ये हार्डली किसको पता होगा, तो करेक्ट है? मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ आपको. अगेन अगर आप आज सुबह उठते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आज अगर मैंने आपको अभी पूछा कि बेटा आपको क्या क्या चीज लाइफ में अचीव करनी है, मेरे को एक पेपर में लिख के दो और कब तक करनी, आपका गोल क्या है, तो कैसे करनी है उन्हें लिखे, सिर्फ बताएगा ये करनी है कब तक करनी है, और उसके स्टेप्स क्या है वो आपको नहीं पता ना. अगर आप फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कोई थ्योरी क्वेश्चन में कोई आंसर लिखते हो, टीचर बोलते हैं ना पॉइंट वाइज लिखने का, क्यों बोलती है? आंसर ना पढ़ना पड़े, बहुत ट्रू रीजन है. पॉइंट वाइज रहेगा तो हमको समझ में आता है कि क्या लिखा है. एनीवे द पॉइंट हियर इज गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं एक बात बोलूं अभी आपको, कॉलेज का कैंपस देखा है सबने? जितना भी है देखा है, वेरी गुड. कॉलेज की बिल्डिंग है बराबर, ये बिल्डिंग कितनी बार बनी है, एक बार या दो बार? इनिशियल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, इनिशियल स्ट्रक्चर, रिपेयरिंग की बात नहीं कर रहा, एक बार या दो बार? एक बार या दो बार? दो बार. इंडिया का ताजमहल हो, गेटवे ऑफ इंडिया हो, इंडिया गेट हो, कोई भी बिल्डिंग हो, हर स्ट्रक्चर दो बार बनता है, हर स्ट्रक्चर, एक बार पेपर में, बाद में बिल्डिंग में. क्यों? जब तक आपके पास वो डिजाइन नहीं होगी, जब तक आपको नहीं पता रहेगा इसमें क्या करना है, वो डिजाइन आपके दिमाग में नहीं होगी, तब तक वो बिल्डिंग कैसे बनेगी? तो आपकी लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट डिजाइन है आपकी लाइफ. अगर आपको लाइफ को, करियर को बनाना है, लाइफ सेटल करनी है और उसकी डिजाइन आपके पास नहीं है, तो आप कैसे सेट करोगे? समझ रहे हो? क्या करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, अच्छा लोग कैसे करना है इज वेरी इम्पोर्टेंट. एंड वो कैसे करने में देयर आर मेनी ऑब्स्टेकल्स व्हेन यू गो थ्रू इट. ठीक है, तो गोल सेटिंग में यहाँ पे क्या है, पांच चीजों के बारे में आप स्मार्ट गोल सेटिंग बोलते हो. स्मार्ट गोल सेटिंग है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, टाइमली एंड रियलिस्टिक. स्पेसिफिक मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बच्चे का एग्जाम्पल दिया, आज उसने बोला आर्ट्स करना है, कोई फील्ड में जाना है, कल उसने बोला मुझे जिमिंग करनी है, तीसरे दिन उसने मुझे बोला एक्टिंग करनी है, ऐसे गोल नहीं होते. ठीक है, इट हैव टू बी स्पेसिफिक, इट हैव टू बी वन, इट कांट बी मेनी, इट हैव, इट कैन बी वन बाय वन, देयर इज अ डिफरेंस. समझ रहे आप लोग को? जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखी, आजू बाजू भी बहुत सारी चीजें थी ना, तो अगर सिर्फ आजू बाजू की चीजों को देखता तो मेन टारगेट साइड हो जाता. तो इट कैन बी वन बाय वन, इट कैन बी मेनी एट द सेम टाइम. समझा? तो हैव टू बी ओनली वन एट अ टाइम. एक चीज अचीव करो, उसका टारगेट बनाओ कि इतने टाइम में अचीव करना है, उसके बाद कैसे नेक्स्ट टाइम में आना है उस पर बात करो. ठीक है, क्लियर है? मैंने आपको बोला ना स्टार्टिंग में, अभी जब मैंने अपना क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, तो मैं आपको बोला कि इसके 10-15 साल पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रहूंगा. तो देयर वाज वन ऑफ माय वेरी ग्रेट टीचर, आई स्टिल रिमेंबर हिम, हेमंत बोरा सर. ठीक है, ही इज अ प्रोफेसर इन गुरुकुल कॉलेज एंड ही यूज्ड टू बी अ पार्ट टाइम लेक्चरर इन जय भारत कॉलेज विच इज मुरुल वेश नाइट कॉलेज है. आई डोंट नो इतना को पता ही नहीं पता. तो अभी ऐसा है कि जब मैं पढ़ता था, मैंने आपको बोला आई वॉज नॉट वन हु स्कोर्ड अ वेरी ग्रेट परसेंटेज इन एनी ऑफ माई एग्जाम्स. तो आई वॉज इन जय भारत नाइट कॉलेज डूइंग माई ग्रेजुएशन. तो वो सर वहाँ पे आते थे, ही वॉज वेरी क्लोज टू मी. आपके साथ भी ऐसा होता रहेगा राइट, देयर विल बी सम टीचर जो आपके साथ काफी क्लोज रहते हैं, यू डिस्कस थिंग्स टू हिम और शी राइट. तो ऐसा हुआ कि मेरे को सिर्फ एक ही चीज दिमाग में था, सर दैट वॉज 2020, टारगेट वॉज 2020 में क्या करना है, सेटल होना है. जब सर ने पूछा क्यों होना है, क्योंकि डैड रिटायर्ड हो रहे हैं 2020 में, वी रिटायरिंग इन दिस जून, जून और जुलाई, ये चीज मुझे पता थी.
तो ये बात है 2010 की, ओके 2010 की, जब आई स्टार्टेड माई फर्स्ट ईयर एंड तब मेरे को सर मिले थे, तो ऐसे ही ही वॉज वेरी कूल एंड क्लोज थे हमारे से। तो ये मैं बात जो बता रहा हूँ मेजरेबल की बता रहा हूँ, ओके। तो उन्होंने मेरे को बोला कि क्या करना है, कैलिबर है ऐसा है, आई गॉट 12 में 59% होगी, ओके। सो क्योंकि पीछे को लगा ऐसा कि मेरे में कैलिबर रहेगा, बट आई एम वेरी बिलो ऑफ माई कैलिबर। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा टारगेट सेट कर। तो क्योंकि उन्होंने मेरे को पूछा क्या करना है, और 21 तक सेटल होना है, कैसे होना नहीं पता, क्यों होना है, डायरेक्ट रिटर्न लेंगे इसमें होना है। उन्होंने बोला टारगेट सिर्फ इतना दिमाग में टारगेट सेट कर कि ये एज तक तुझे क्या क्या अचीव करना है लाइफ में, और उतना लिस्ट तू मेरे को लिख के ला, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो मैं एक दिन शांति से बैठा, मैंने सोचा इसके बारे में, मैंने बोला कि क्या क्या करना है। तो इट वॉज लाइक एक घर लेना है अपना, ठीक है, एक कार लेनी है अपनी, ओके, बस ये दो ही चीज लिखनी, इसके अलावा मैंने और कुछ लिखा नहीं, तो मुझे ऐसा लगा बस इतना सफिशेंट है लाइफ में शायद, ठीक है। करियर में क्या करूँगा नहीं पता, एक घर लेना है अपना। तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे जब आया तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा लेगा कैसे। उन्होंने बोला, मैं बोला नहीं पता। तो उन्होंने मेरे को एक फॉर्मूला बताया, बोला अगर तुमको ट्रैक करना ना कि तुम अपने लाइफ में राइट जगह पे राइट टाइम पे चल रहे हो कि नहीं, तो उन्होंने बोला सिर्फ एक सिंपल चीज ट्रैक करो, तुम्हारा जितना एज है ना, आपका जो एज है ना, एज को मल्टीप्लाई करो 3000 से, वॉट एवर योर एज इज, फॉर एग्जाम्पल इफ यूर 20 ईयर्स ओल्ड, उसको मल्टीप्लाई करो 3000 से, आपको मिलेगा 60,000। जितना आपका एज है मल्टीप्लाइड बाय 3000 उतना आपका मंथली इनकम होना चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन रखो लाइफ बस। अगर आप वो कैलकुलेशन में खड़े उतरे तो आप अपने गोल अचीव करो। सेम चीज होता था, योर एज मल्टीप्लाई बाय 3000, ये हर चीज में, आई एम वेरी सॉरी कि आप मेरे, अगर तुम देखोगे मेरे वीडियोस ये चीज मैं रिपीट होएगी, बट मैं हर बच्चों को बोलता हूँ, योर एज मल्टीप्लाई बाय 3000, दैट शुड बी योर टारगेट। और हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना स्ट्रांग है मत करो, आपने अगर इधर एक बार फीड कर दिया तो वो ऑटोमेटिक आपको वेज बताएगा कैसे लाना है, दैट इज फैक्ट, दैट इज द पावर ऑफ गोल सेटिंग। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आई वॉज स्टडिंग एफ आई बी कॉम दैट टाइम, नॉट डूइंग एनीथिंग, ये दिमाग में रखते हुए मैंने शुरू किया। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं वो टाइम पर, जस्ट इन फर्स्ट ईयर 12th हुआ था, तो मैंने ना मेरे को जॉब चाहिए था, तो हम लोग मैगडी में गए थे एक बार, मैं मेरा एक दोस्त था, मैगडी में खाने गए थे, वहाँ पे ना बाहर लग रहा था जॉब वैकेंसी, पार्ट टाइम फुल टाइम ऑल, हमने बात की। तो अभी बात किया तो उसने, आई स्टिल रिमेम्बर, उसने मुझे बोला कि आपको 21 या 20 रुपीज पर आवर मिलेगा, ठीक है, 20 या 21 रुपीज पर आवर मिलेगा। तो अभी ऐसे था कि हम लोग का इवनिंग कॉलेज था, तो हमको अटेंडेंस इतना कंपलसरी नहीं होगा, तो हमने, मैंने जो टाइमिंग लिया दैट वाज 6 to 12 इन द इवनिंग, मतलब मैं 6 घंटा आऊँगा, और बेसिक फॉर्मूला टू जस्ट गेट द पॉकेट मनी, घर से जितना मिलता है उसके अलावा। मैंने आपको बोला अगर वो टाइम की गर्लफ्रेंड रहेगी तो जो है कम है, करेक्ट है। तो मैंने बोला ठीक है, तो उस तरह से एक बेसिक उनका वो छोटा सा इंटरव्यू हुआ, और मैंने वो ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के 3rd दिन पे मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी, Day 3 I left the job. First job working as a McDonald's, at the time was student. क्यों? घर वालों का status effect है। हमारा बच्चा कैसे काम करेगा McDonald's? कोई देखा तो क्या बोलेगा? आजूबाजू वाले क्या बोलेंगे? रिश्तेदार क्या बोलेंगे? यहाँ पे point क्या बताएगा? ये आप लोग के साथ भी होगा। Surrounding yes, but again the point here is या आपके पेरेंट्स वो टाइम ये रियलाइज नहीं करते कि मेरा बच्चा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करना चाह रहा है, वॉट एवर द वर्क इज। बचपन में आपको बहुत बार बोलेंगे बेटा जो काम करते हो छोटा नहीं होता बड़ा नहीं होता, बट अपना बेटा करेगा रहा है अपनी बेटी करेगा तो छोटा बड़ा दिखने लगता है, दिस इज इंडियन साइकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हुआ सेम, तू नहीं जाए कुछ भी हो जाए, ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं,
मना कर दिया 3 दिन के बाद छोड़ दिया। और क्योंकि मेरे को ऐसा अच्छा लग रहा था, 3 दिन बाद जॉब छोड़ दिया तो क्या करने का, मेरा सैलरी मैंने बात भी नहीं किया उसको आ गया। बट ये क्या इंडियन मदर्स, मतलब बेटा पैसा कैसे छोड़ा दू काम किया ना जा पैसा लेके आ, मतलब मेरे को शर्म आता है मांगने, मेरी माँ जाके लेके मेरा बेटे ने काम किया पैसा दो। एंड माय फर्स्ट सैलरी गाइस वाज 210 रुपीस 3 days at the age of 18-19 maybe 19-20 whatever you say 18-19। अभी वो जॉब तो करी, मुद्दा यहाँ पे वो सर का बात ना दिमाग पे घूम रहा था। दिमाग पे क्यों घूम रहा था पता है क्या, उसमें मेरे को मेरा लालच जा रहा था कि अच्छे पैसे होंगे, अच्छा लाइफ होएगा, कॉलेज डेज में सबको अच्छा लाइफ चाहिए, सिंपल है ना, ठीक है। तो अभी क्या करने का, तो वापस पार्ट टाइम जॉब ही ढूंढ रहे थे क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं तो फुल टाइम तो कर रहे हैं बनता नहीं है। तो वहाँ पे बांडू में एक कॉरपोरा करके एक है बिल्डिंग, तो वहाँ पे वोडाफोन डिपार्टमेंट में, वोडाफोन में कलेक्शन डिपार्टमेंट में जॉब मिली, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा था कि कॉल था, बीपीओ था, इट वॉज आई गेस 4 to 5 hours ऑफ वर्क एंड 4 या 4.5 हज़ार रुपये दे रहे थे वो पार्ट टाइम से, अच्छी बात है 4-4.5 हज़ार मिलेंगे सेट है। तो वापस अभी जॉब एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, जॉब कॉलेज गवर्नमेंट सब मस्त चल रहा है। तो उसके बाद ऐसे हुआ कि कॉलेज का कैंप जाता था हमारा, एनएसएस में थे हम लोग, तो एनएसएस का कैंप जाता था 7 days। तो मेरा टीम लीडर था राहुल करके, मेरे को आज भी आया, तो उसने बोला बेटा छुट्टी नहीं मिलेगी, बोला सर छुट्टी तो चाहिए कॉलेज का कैंप जाना ही पड़ेगा, तो बोले नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी, तो बोला सर मैं नहीं आया, ठीक है। देखो मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, मैं अपना स्टोरी नहीं बता, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट योर एग्जाम्पल ऑन दिस, जिससे कुछ आप सीखो। बोला छुट्टी नहीं मिली, तो बोला सर नहीं वो तो करना है, अभी दोस्त भी थे और ये सारे दिन ना वापस नहीं आते, ठीक है। बोला जाऊँगा सर, अगर आप छुट्टी दोगे वेल एंड गुड, अगर आप छुट्टी नहीं दोगे ना तो मैं छोड़ रहा हूँ, पैसा देने का दो नहीं देने का बोल दो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये बात समझो, मेरे लिए मेरा कॉलेज लाइफ, मेरा एजुकेशन वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन माई जॉब, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ये सारी चीज़ें आप लाइफ में कभी ना कभी अचीव करोगे अगर आप उतना स्टेज पे पहुँचोगे पढ़ लिख के, तो नहीं तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने जॉब छोड़ दी, आई वेंट फॉर 7 days कैंप, बहुत मज़ा किया। कैंप आने के बाद राहुल सर का फोन, आप नहीं आ जाओ, सर मैं बोला था ना कैंप पर नहीं आएगा, आप आ जाओ वापस, मैं बोला सर मैं नहीं आएगा मुझे नहीं आना है, अभी तभी आपने बोला मेरे को अच्छा लगा मैं नहीं आया। दैट वॉज आई फील माई टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ, क्योंकि जॉब नहीं थी, आई वॉज वेरी गुड इन अकाउंट्स, आई एम अकाउंट्स प्रोफेसर नाउ एज ऑन डेट ऑल्सो, सो आई एम ओनली आई वॉज वेरी गुड इन अकाउंट्स, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि एक मेरा ही कॉलेज मेरे साथ पढ़ने वाला कलीग, इज नेम इज हितेश, मेरा पहला स्टूडेंट आई गेस, तो उसने मेरे को ऐसी मस्ती में, हम लोग कॉलेज के बाद रुके थे दोस्त लोग, तो उसने एक लड़की थी चेताली मेहता करके, ये दोस्त थे लोग सब अच्छे, शी इज करंटली यूएस डूइंग हर एमबीए एंड एवरीथिंग, तो उसको पूछा कि तू मेरे को एमबीए सिखाई है, तो उसने बोला तू चिराग से सीख, अभी उसको क्यों पूछा क्योंकि उसको अच्छी लगती थी बाकी उसको पढ़ाई में 0% थी, दैट वाज द ओनली थिंग। तो उसने बोला तू चिराग से सीख, चिराग अच्छा है, दिल से भी अच्छा होता मैं उससे सीखू, चिराग से सीख, तो उसने बोला नहीं, एक दो दिन उसे मना किया तो खुद आया मेरे पास, तो जब मेरे पास आया तो भी मेरे को बता दिया हम लोग एक ही ग्रुप के, तो मैं जान बूझ के उसको छेड़ने के लिए, मैंने उसको देखो सीखने आना नो प्रॉब्लम, मैं देखो सिखाएगा, मैं एक लेक्चर का 1000 रुपीज देगा, ठीक है, एक लेक्चर का, तू जब भी आना तू आ जा, एक डेढ़ घंटा सिखाएगा, एक लेक्चर का 1000 रुपीज देगा। यार उसने दिल पे ले ली बात, वो नेक्स्ट डे डैडी को लेके आया, मैं बहुत एम्बेरस फील कर रहा था, अभी ऐसा कैसा बोलूँ, दोस्ती अपना फाइनली, मैंने तो पैसे यार मस्ती में गया था। तो उसके डैड भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली मेरे बारे में बोलते हैं, यू विल टेक 1000 रुपीज, मैंने बोला अभी क्या बोलूं, यस, तो बोलते ठीक है नो प्रॉब्लम, देयर आर 4 वीक्स इन अ मंथ, 3 डेज इन अ वीक, इट कम्स टू 12,000 रुपीज, सॉरी 4 डेज अ वीक ऐसे कुछ बोला है उसने, तो इट कम्स टू 12,000 रुपीज, आई विल गिव यू 10,000 पर मंथ, मैंने बोला डील